तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे पहले वीडियो की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और इस पर बहुत सारा कमेंट ही आ रहा है कि भाई जो इसमें लिरिक यूज हुआ है उस लिरिक को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उसी तरह का लिरिक क्रिएट करना सिखाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रीव्यू को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो हम दो तरीके से क्रिएट करने वाले हैं। पहले अलाइट मोशन से क्रिएट करेंगे, फिर हम काइंड मास्टर से क्रिएट करेंगे। आपको जो समझ में आए आप उसको देख लीजिए। तो अलाइट मोशन से क्रिएट करने के लिए चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और आपको 16:9 वाला साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रेजोल्यूशन को 1080p, फ्रेम रेट को 60fps, बैकग्राउंड को ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक लिरिक का ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करना है। एक लिरिक का वीडियो हम पहले से क्रिएट करके रखे थे तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको इसी वीडियो को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है, फिर आपको डार्केन पर क्लिक करना है और यहां से इसको मल्टीप्लाई पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहां तक आपका लिरिक है वहां पे आपको आ जाना है, फिर यहां पे क्लिक करके एक मार्क कर लेना है। इसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक कलरफुल वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो वीडियो एड करने के बाद फिर आपको इसी वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपको इसको लिरिक वाले वीडियो को नीचे लाकर रख लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहां तक आपका लिरिक वीडियो है वहां पे आपको आ जाना है, फिर आपको इस कलरफुल वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहां पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां तक हमारा वीडियो कुछ इस तरह का क्रिएट हो चुका। इसके बाद फिर आपको यहां प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक म्यूजिक विजुलाइजर का ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो वीडियो को एड करने के बाद फिर आपको यहां ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। फिर यहां पे एक ऑप्शन आएगा लाइटन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको यहां मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसको आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है। फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको रख लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको लिरिक वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपको इसको सारे लेयर के ऊपर लाकर रख लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वीडियो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका। इसके बाद फिर आपको लास्ट में आ जाना है, जहाँ तक आपका लिरिक वीडियो है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको इस म्यूजिक विजुलाइजर वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी वीडियो को काइनी मास्टर से क्रिएट करना है तो आपको अपने काइनी मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो काइनी मास्टर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको 16:9 वाला साइज सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे हमारा गैलरी ओपन हो चुका। इसके बाद आपको यहां इमेज पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक ब्लैक इमेज सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहां लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक लिरिक का ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करना है। तो चलिए फिर हम उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहां पे एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट स्क्रीन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहां पे क्लिक करना है और आपको फिर से थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहां पे एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां मल्टीप्लाई पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको ब्लैक इमेज को सिलेक्ट करना है और आपको इसके ड्यूरेशन को जहां तक लिरिक वीडियो है वहां तक आपको इसके ड्यूरेशन को कर देना है। इसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर आपको यहां लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक कलरफुल वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो वीडियो को एड करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहां पे एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट स्क्रीन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर आपको यहां थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका। इसके बाद फिर आपको यहां लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक म्यूजिक विजुलाइजर का ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो वीडियो को एड करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहां पे एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको इसी वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है।
इसको आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है, फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको लिरिक वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करके इसको फ्रंट पे कर लेना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। इसके बाद फिर आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद जो भी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है आपको उसको काट करके डिलीट कर देना है। तो अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके सेव ऐसे वीडियो पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।